नमस्कार, आप देख रहे हैं किन्नी टाइम्स। तो नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों से जनता वैसे भी परेशान है, दूसरी तरफ पेट्रोल पंप वालों की डीजल पेट्रोल देने में घपलेबाजी से जनता दोहरी मार झेल रही है। पेट्रोल पंप मालिकों की इस घपलेबाजी का शिकार गुजरात सरकार के पेट्रोकेमिकल मंत्री मुकेश पटेल भी हो गए। मंत्री ने कलेक्टर को फोन घुमाया और रातों रात पंप को सील करवा दिया। सूरत शहर के जहांगीरपुरी इलाके में स्थित नायरा कंपनी के पेट्रोल पंप को आज सील कर दिया गया। यहां बीती रात गुजरात सरकार के ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल विभाग के मंत्री मुकेश पटेल बिना किसी काफिले के एक सामान्य इंसान की तरह अपनी कार में डीजल भरवाने गए थे। मंत्री मुकेश पटेल ने अपनी कार में 4000 से अधिक रुपए का डीजल भरवाया, लेकिन पंप के मीटर में कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। इस बात को लेकर जब मंत्री ने डीजल भर रहे कर्मचारी से जवाब मांगा तो उन्होंने मंत्री मुकेश पटेल को कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। पेट्रोल पंप के कर्मचारियों को इस बात की जरा भी भनक नहीं थी कि वो जिससे बात कर रहे हैं वो कोई सामान्य इंसान नहीं बल्कि गुजरात सरकार के मंत्री हैं। मंत्री मुकेश पटेल ने पेट्रोल पंप कर्मचारियों के घपलेबाजी की सूचना रात को सूरत के कलेक्टर को दी। उसके बाद रात को ही आपूर्ति विभाग के अधिकारी पेट्रोल पंप पहुंच गए और उसको सील कर दिया। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।